भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हर तरफ धोनी के संन्यास को लेकर कहा जा रहा है कि अब महेंद्र सिंह धोनी की टीम में वापसी शायद ही होगी। महेंद्र सिंह धोनी को BCCI की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद लोगों को लगने लगा है कि महेंद्र सिंह धोनी अब शायद ही टीम इंडिया के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। इस पर BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि वह इस पर कोई भी जवाब नहीं देंगे। हालांकि BCCI के एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करने से पहले धोनी से बातचीत भी की गई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बाद लगने लगा है कि धोनी अब शायद टीम इंडिया के साथ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और धोनी ने 2014 में जिस तरीके से टेस्ट टीम से संन्यास लिया था, वो भी चौंकाने वाला था। 2014 के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने एक सीरीज के बीच में ही संन्यास ले लिया था। पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ और जब दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी ने वहीं संन्यास की घोषणा कर दी। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी प्लेयर ने एक सीरीज के बीच में टेस्ट मैचों से संन्यास की घोषणा की हो। महेंद्र सिंह धोनी इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ऐसा किया। और इस बात से लोगों को ताज्जुब नहीं हो रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया है। हालांकि खुद महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक अपने संन्यास की घोषणा नहीं की है। और महेंद्र सिंह धोनी अगर ऐसे संन्यास ले लेते हैं तो उनके फैंस को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। धोनी ने पिछले 6 महीने से किसी भी तरह का क्रिकेट नहीं खेला है और धोनी अपना आखिरी वनडे मुकाबला 2019 के दौरान खेले थे। 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उस दौरान न्यूजीलैंड के विरुद्ध ये आखिरी मुकाबला खेला गया था और ये मुकाबला था सेमीफाइनल का। इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला चला था, अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद वो आगे टीम इंडिया के साथ नहीं खेले। उसके बाद कई मैचेस हो चुके हैं, 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के साथ यानी कि ब्लू जर्सी में नहीं दिखाई दिए हैं। हालांकि उनके फैंस चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के साथ एक बार फिर खेलते हुए नजर आएं, लेकिन जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर घोषणा हो रही है उससे लगता है कि टीम इंडिया में धोनी शायद ही खेलते हुए नजर आएंगे। यह उनका आखिरी मुकाबला था न्यूजीलैंड के विरुद्ध, जब सेमीफाइनल में महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार रन आउट हुए थे। आपको पता ही होगा जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने अपना डेब्यू मैच खेला था उस दौरान भी महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुए थे और जो आखिरी वनडे मुकाबला था वहां भी महेंद्र सिंह धोनी रन आउट होते हुए अपना आखिरी वनडे जो कहा जा रहा है उनका वो आखिरी वनडे हो सकता है। भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उनकी महेंद्र सिंह धोनी से बातचीत हुई है और अब वे वनडे टीम में शायद ही खेलेंगे। हालांकि उन्होंने 2020 के T20 वर्ल्ड कप में धोनी के खेलने पर कहा था कि धोनी अगर IPL में अच्छा खेलते हैं तो उन्हें टीम में चुना जा सकता है। धोनी अपने संन्यास को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो जाने के बाद अब लगने लगा है कि धोनी अब टीम के साथ नहीं खेलेंगे और अगर ऐसा होता है तो यह उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।